ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आप जिस पिच पे गा रहे हैं क्या वो पिच आपके गले को सूटेबल है कि नहीं। सो व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट द चॉइस ऑफ द पिच इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस इन सिंगिंग। कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि हम अनेक आर्टिस्टों को सुनते हैं और हमें लगता है कि काश मैं उस स्केल को पे गा सकता, काश मैं इस स्केल पे गा सकती हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि एवरी वॉइस इज़ डिफरेंट और जो चीज़ आपको सूट करती है हो सकता है मुझे ना करे, और जो मुझे सूट करती है हो सकता है कि आपको ना करे। तो द चॉइस ऑफ द पिच इज एंड द अप्रोप्रिएट पिच इज वेरी इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी क्रूशल कि आप अपने हिसाब से ठीक पिच पे गाएं। लेट मी नाउ टेल यू How to determine the right pitch for your voice? How to determine the right pitch? अपनी गले के लिए आप कैसे निर्धारित करेंगे कि ये स्केल आपके लिए, ये पिच आपके लिए सही है या नहीं? और ये पद्धति जो है हमारे बुज़ुर्गों ने सालों सालों से, दीज आर ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स, तो हम आंखें बंद करके इनको फॉलो कर सकते हैं। ऐसा स्केल, ऐसा पिच जिस पे आप एटलीस्ट मंद्र पंचम से लेके तार सप्तक के गंधार तक अगर आप जा सकें, थोड़ा सा मैं कंजर्वेटिव रह रही हूँ, तो यानी इफ यू आर एबल टू गो फ्रॉम द मंद्र सप्तक लोअर ऑक्टेव पंचम टिल द हायर ऑक्टेव गंधार, इट शुड बी फाइन। सो लेट्स ट्राई एंड लेट मी चेक, एंड आई एम सिंगिंग राइट नाउ ऑन काली पांच, विच इज बी फ्लैट। आवाज़ थके भी ना और वो ब्राइट भी लगे, तो हमें ऐसा ही पिच चूज़ करना है, और मेरे लिए वो काली पांच बिल्कुल सूट करता है। आपके लिए क्या करता है मुझे बताइए। राइट टू मी एंड टेल मी, डू राइट टू मी हाउ दीज वीडियोज आर यूजफुल टू यू, एंड प्रेस द बेल आइकन to like my channel and subscribe to it. Namaskar.